हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टांग, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, हमने अपनी पुरानी वीडियो में प्लांट डिस्क्रिप्शन से संबंधित टर्मिनोलॉजी को जाना था, जिसके अंतर्गत हमने कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। आज हम अब लास्ट टॉपिक इसका टर्मिनोलॉजी का गाइनोशियम, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी टर्म्स जानेंगे। गाइनोशियम क्या है? इट इज द इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। मैंने आपको बताया था अपनी पुरानी वीडियोस में कि फ्लावर के चार वर्ल्ड होते हैं, चक्र होते हैं, जिसमें सबसे बाहर वाला कैलिक्स, उससे अंदर वाला कोरोला, उससे अंदर वाला एंड्रोशियम और सबसे अंदर वाला जो चक्र होता है वो गाइनोशियम कहलाता है। हम कह सकते हैं कि इट इज द फोर्थ और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, जो कि एंड्रोशियम के अंदर प्रेजेंट होता है, अर्थात यह सेंट्रल वर्ल्ड है फ्लावर का। जो गाइनोशियम होता है वो किससे मिलके बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वन टू मैनी कार्पल्स, जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। कार्पल क्या है? कार्पल इज कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवी। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक ट्यूलिप के फ्लावर का एलिस बताया है इसमें। ये जो आपको येलो कलर्स में दिख रहे हैं, ये तो इसका एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच का जो ये पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है। और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं प्रूनस का जो पिक्चर है, इसमें जो कार्पल होती है उसका ये पिक्चर थोड़ा उल्टा लगा, इसमें ऐसा लगा रखा है। हमेशा कार्पल का ऊपर वाला जो भाग होता है सबसे, वह स्टिग्मा कहलाता है, जो कि पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। इट इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। उस बाद में एक पतला सा लंबा सा स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम स्टाइल कहते हैं। तो ये इसमें स्टाइल हो गई। और नीचे वाला जो भाग होता है स्टाइल के, वह क्या होता है, जो कि थैलेमस पे लगा हुआ होता है, फूला हुआ भाग होता है, और अंदर उसके अंदर ओवल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो यदि हम एक प्रकार से डायग्राम देखें, ड्रॉ करके स्ट्रेट डायग्राम देखें, तो ऊपर की तरफ तो स्टिग्मा होगी, नीचे की तरफ इसमें स्टाइल होगी, और नीचे वाला जो भाग होगा वो उसका फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा, ओवरी कहलाएगा। तो ये ओवरी का भाग कहलाएगा। तो जो गाइनोशियम है उसकी एक इकाई क्या कहलाती है, कार्पल कहलाती है, और जो कि एक प्रकार से मॉडिफाइड लीफी स्ट्रक्चर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शूट जो फ्लावर है, इट इज ए मॉडिफाइड शूट, तो ये भी एक मॉडिफाइड लीफी स्ट्रक्चर है, मींस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो गया है। और जब मैच्योरिटी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद में, ओवरी तो फूट में डेवलप हो जाती है, और ओव्यूल डेवलप होने सीड में डेवलप हो जाते हैं, जब फर्टिलाइजेशन और मैच्योरेशन हो जाता है तब, ये तो ओवरी फ्रूट में डेवलप होगी और ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं गाइनोशियम के टाइप्स की। गाइनोशियम, क्योंकि बताया अभी आपको कि गाइनोशियम की एक इकाई क्या है, कार्पल, और कार्पल की संख्या के आधार पर गाइनोशियम में कितने कार्पल है, उनका क्या फ्यूजन है, कोहेशन, जो कि एक ही चक्र के सदस्यों में जुड़ाव जिसको हम कह सकते हैं, उसके आधार पर, तो नंबर एंड फ्यूजन ऑफ कार्पल के आधार पर गाइनोशियम को हम अलग अलग इसके लिए टर्म यूज की जाती है। पहली टर्म है मोनोकार्पस गाइनोशियम, वह गाइनोशियम जिसको कि हम सिंपल गाइनोशियम भी कहते हैं, वह गाइनोशियम जिसके अंदर एक ही कार्पल होते हैं, मीन्स गाइनोशियम इज कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल कार्पल, और इसको हम मोनोकार्पलरी भी कहेंगे इसके अंदर। तो इसके एग्जाम्पल है लेग्यूमिनेसी के प्लांट्स में, सब में फ्लावर्स में हमेशा मोनोकार्पस गाइनोशियम पाई जाती है, देन एवोकाडो में है, पीच में है, तो इनमें मोनोकार्पस गाइनोशियम पाई जाती है। अब कार्पल की संख्या एक से अधिक भी होती है तो उसे क्या कहा जाता है, मल्टी कार्पस गाइनोशियम, अर्थात गाइनोशियम इज कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन कार्पल, मे बी 2, 3, 4 मैनी। तो इसमें संख्या के आधार पर अलग अलग नाम इसका, यदि कार्पल में, यदि गाइनोशियम के अंदर दो कार्पल प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगी, बाई कार्पल। जैसे एग्जाम्पल है फ्यूमेरिया है, थैविशिया है, जो कि एपोसाइनेसी का मेंबर है, कैलोट्रोपिस एस्क्यूटेसी का मेंबर है, और आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में भी ये मेंशन है। देन ट्राई कार्पल, इसमें कि गाइनोशियम में तीन कार्पल होगी, जैसे कि स्टीलेरिया,
यूकेलिप्टस मेटेसिका फैमिली का है, स्टील एरिया कैरोफिलेसी का मेंबर है, इसमें इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। टेट्राकार्पलरी जहाँ पर कि गाइनोशियम में चार कार्पल होंगी। पेंटाकार्पलरी कॉमन है ये, इसमें गाइनोशियम पांच कार्पल का बना होता है। और जैसे कि एग्जाम्पल चाइना रोज, हिबिस्का रोजा साइनेंस है जिसको हम गुड़हल भी कहते हैं, मीलिया भी इसका एग्जाम्पल है। देन मल्टी कार्पलरी जिसमें कि गाइनोशियम की संख्या जिसमें जिसके गाइनोशियम में कार्पल की संख्या पांच से ज्यादा होती, जैसे कि पेपावर सोमनीफेरम जिसको हम पॉपी भी कहते हैं। अब टर्म है एपोकार्पस गाइनोशियम। एपोकार्पस गाइनोशियम का मतलब हुआ कि एपो मतलब अलग, और यहाँ पर लिखा हुआ सिन कार्पस। सिन कार्पस में सिन का मतलब जुड़ा हुआ, तो एपो मतलब अलग और कार्पस ऐसी गाइनोशियम जिसके अंदर कार्पल अलग अलग है तो एक से ज्यादा, मतलब मल्टी कार्पलरी है लेकिन कार्पल जो है अलग ही है, तो उस केस में डिस्टिंक्ट कार्पल है, सेपरेट फ्री कार्पल है, उसे हम क्या कहते हैं एपोकार्पस गाइनोशियम। इसके एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी है, रेनन्कुलस है। इस पिक्चर में आप जो देख रहे हैं ये एक रेनन्कुलस के फ्लावर का फ्लावर दिख रहा है इसमें। इसमें ये जो आपको दिखाई दे रही ग्रीन कलर की, ये सब कार्पल्स है और ये फ्रूट बनने के बाद में ये अलग अलग इसके फ्रूट बन जाते हैं इसके अंदर। फिर आता है सिनकार्पस गाइनोशियम, इसमें कि है तो मल्टी कार्पलरी लेकिन गाइनोशियम जो होता है वो गाइनोशियम के अंदर जो कार्पल जो होगी वो फ्यूज होगी, जैसे कि ट्यूलिप है, चाइना रोज है, इसमें पेंटा कार्पलरी कंडीशन पाई जाती है। ओवरी की पोजीशन के आधार पर तीन कैटेगरी इसको बताई गई है इसके अंदर, मतलब थैलेमस पर ओवरी कहाँ पर स्थित है, क्योंकि फ्लावर के चार चक्र होते हैं, चार चक्र में सबसे बाहर वाला कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। तो गाइनोशियम के अंदर जो ओवरी की पोजीशन है उसके आधार पर हम उसको तीन प्रकार से बताया गया है। पहला है सुपीरियर ओवरी, मतलब नाम से पता चल रहा है कि जब ओवरी सब थैलेमस के सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे प्रेजेंट होती है, मीन्स जो ओवरी ऑक्यूपाइज ए सुपीरियर हाईएस्ट पोजीशन ऑन द थैलेमस, और बाकी जो सारे चक्र हैं स्टैमेन पेटल्स एंड जो सेपल्स हैं वो सक्सेसिवली नीचे की तरफ, उसके ओवरी के नीचे की तरफ होते हैं। तो ओवरी जब सबसे ऊपर होती है तो उसे क्या कहा जाता है सुपीरियर ओवरी, और इस प्रकार का फ्लावर जिसमें सुपीरियर ओवरी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि सरसों, मस्टर्ड है, चाइना रोज है, सिट्रस है, स्टीवेरिया और धतूरा, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल है। दूसरी प्रकार की है सेमी इंफीरियर ओवरी। इस केस में क्या होता है जो थैलेमस होता है वो ओवरी के चारों तरफ थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और एक शैलो से लेकर के शैलो टू डीप एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फ्लोरल कप बनाता है, और उस कप की जो रिम होती है उसकी जो ऊपर की जो रिम होती है, रिम के जो ऊपर का भाग होता है वहां पर सेपल्स पेटल्स और स्टैमिन्स उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार का जो फ्लोरल कप डेवलप होता है जो रिसेप्टेकल जो होता है जो कि एक छोटे से शैलो या डीप कप की तरह दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं हाइपेंथियम कहते हैं। और ये हाइपेंथियम क्या करता है ओवरी को सराउंड करता है, अर्थात जो थैलेमस होगा जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये थैलेमस तो थोड़ा सा कप लाइक बन गया है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं जैसे सॉरी इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो थैलेमस है ये इसमें भी एक कप लाइक, ये थैलेमस एक कप लाइक बन गया है और इसके बीच में सेंटर में से ओवरी निकल रही है अर्थात आधा के बीच में नीचे चला गया, लेकिन इससे और ये जो बॉल दिखाई दे रही है इसकी रिसेप्टेकल की ये बॉल दिखाई दे रही है ये क्या है इसकी हाइपेंशन, क्या कहलाता है ये इसका हाइपेंशन कहलाता है जो कि इंटीरियर में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार की ओवरी को क्या कहा जाता है सेमी इंटीरियर ओवरी, और फ्लावर को हम क्या कहते हैं पेरीगाइनस फ्लावर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है रोजेसी के मेंबर्स में है जैसे कि रोज है, प्लम है और पीच है, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये पेरीगाइनस फ्लावर की ये दिखाई दे रही है। तीसरी कंडीशन ओवरी की है इंफीरियर ओवरी, जिसमें कि ओवरी बिल्कुल ही मतलब अधोवर्ती बिल्कुल नीचे हो जाती है और बाकी सारे जो चक्र हैं कैलिक्स, कोरोला और स्टैमिन्स वो ओवरी के ऊपर से निकलते हैं, और तो थैलेमस इसमें कम्प्लीटली नीचे की तरफ हो जा थैलेमस के ऊपर जो ओवरी प्रेजेंट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ हो मतलब ओवरी जो है बिल्कुल नीचे की तरफ हो जाती है और उसके ऊपर के भाग से सेपल्स पेटल्स स्टैमिन्स निकल रहे हैं और ओवरी के टॉप से निकल रहे हैं, और इस प्रकार की ओवरी में हाइपेंशन प्रेजेंट नहीं होता है बल्कि ये होता है कि जो ओवरी की जो वॉल है ओवरी की वॉल और थैलेमस दोनों ही जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है
इंफीरियर ओवरी और फ्लावर को क्या कहा जाता है, एपिगैमस फ्लावर कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है कोरिंडम है, कुकुरबिटेसी के मेंबर्स है, गुआवा है, इन सब में इंफीरियर ओवरी दिखाई देती है। इसमें आप देख भी रहे हैं पिक्चर में, ये ओवरी का पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको और ये बाहर थैलेमस ये दिखाई दे रहा है। इसके अंदर दोनों की वॉल जुड़ गई है और एक मतलब कॉमन वॉल बन गई है। और फिर उसके जो ऊपर का जो जुड़ा हुआ जो भाग है उसके ऊपर के रिम से यहाँ पर ये कैलिस निकल रहा है, दिस इज करोला, और ये इसके स्टैमिन हो जाएंगे और ये जो गाइनेशियम का पार्ट हो जाएगा इसके अंदर, और ये क्या कहलाएगी, इसकी सेपल कहलाएगी। तो अभी हमने देखा कि सुपीरियर ओवरी सबसे टॉप मोस्ट ओवरी, सेमी इंफीरियर जिसमें कि हाइपेंथियम बनता है, और इंफीरियर ओवरी जिसमें कि ओवरी सबसे नीचे हो जाती है और बाकी सारे चक्र उसके ऊपर से ओरिजिनेट होते हैं। ये पिक्चर मैंने दिखाई है आपको सुपीरियर ओवरी, जिसके अंदर बिल्कुल आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, एलएस के अंदर ये ओवरी का भाग दिखाई दे रहा है और बाकी सारे जो चक्र है जैसे कि ये स्टैमिंस के स्टैमिंस है, इधर आपके इसमें कोरोला है, ये नीचे की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। सेमी इंफीरियर जिसमें कि अभी आपको बताया था कि इसमें ओवरी वॉल और जो रिसेप्टिकल है दोनों आपस में उनकी जो दोनों की जो वॉल है वो फ्यूज नहीं होती, दोनों अलग अलग रहते हैं और एक हॉलो कप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, हाइपेंथियम कहते हैं इसको। ये ओवरी का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी स्टाइल है जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और बाकी सारे जो चक्र हैं जैसे कि ये कोरोला, ये इसके स्टैमिन और ये इसकी कैलिक्स अर्थात सेपल्स जो है वो यहाँ से निकाल दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब इसके ऊपर से यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी जो कि कुकुरबिटेसी में पाई जाती है, उसका कुकुरबिटेसी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसमें हमेशा इंटीरियर ओवरी ही होती है। और ये जो एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको कुकुरबिटा का एग्जांपल, जिसको कि हम कद्दू भी कहते हैं, इसमें बिल्कुल ये ओवरी दिखाई दे रही है और बाकी सारे जो फूल के जो चक्र हैं ऊपर की तरफ है, ये कैरिस दिखाई दे रहा है, इसमें करोड़ा अंदर की तरफ एंडोसोम और गाइनोसोम इसके अंदर होंगे। ओवरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा हम ये भी जान लें कि जो ओवरी होती है उसके अंदर कोस्ट होते हैं। ओवरी एक प्रकार से हॉलो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कोस्ट होते हैं मतलब चैम्बर्स होते हैं। तो उन चैम्बर की संख्या के आधार पर ओवरी को अलग अलग नाम दिया गया है। पहली है यूनिलोक्युलर ओवरी, इसके अंदर ओवरी में खाली एक सिंगल चैम्बर होगा, कोई पार्टीशन नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल जो मोनोकार्पुलरी ओवरी होती है जैसे कि पी है, मतलब लेगुमिनस के सारे मेंबर्स इस प्रकार की यूनिलोक्युलर ओवरी को शो करते हैं। सीलिरिया में जैसे कि मतलब इसमें जो मोनोकार्पुलरी एक तो ओवरी उसमें यूनिलोक्युलर कंडीशन दिखाई देगी, प्लस जो पैराइटल प्रेजेंटेशन जिसमें होता है द्वितीय, अभी हम बात करते हैं इसकी अगली स्लाइड में, इसमें द्वितीय अर्थात जिसमें पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर भी यूनिलोक्युलर ओवरी पाई जाती है। दूसरी प्रकार की है बाइलोक्युलर, जिसमें कि ओवरी के अंदर दो पोस्ट हो जाते हैं अर्थात दो चैम्बर हो जाते हैं, जैसे कि सोलेनिसी के मेंबर्स है, पिटूनिया है, सोलेनम में ये पाया जाता है। ट्राइलोक्युलर ओवरी ये जनरली ये लिबेसी के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर ओवरी तीन चैम्बर्स की अर्थात तीन लोक्यूल्स की हो जाती है। और जैसे कि एग्जाम्पल है ये लिबेसी का मेंबर है एस्पोडिलस, उसमें ये पाई जाती है। टेट्रालोक्युलर लेबिटी कुलकी ऐसे ओसीमम में इसमें चार चैम्बर बन जाते हैं। पेंटालोक्युलर इस प्रकार की ओवरी में जो ओवरी है उसमें पांच लोक्यूल्स या चैम्बर या कोस्ट बन जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है मालवीय का टू फ्लावर, जिसको कि हम रिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं। और यदि ओवरी के अंदर कोस्ट की संख्या पांच से ज्यादा है तो मल्टी लोक्युलर ओवरी कहलाती है, जैसा कि एग्जाम्पल है सिट्रस में दिखाई देती। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये यूनिलोक्युलर ओवरी का एग्जाम्पल है, इसमें पूरे में कहीं पार्टीशन नहीं है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो इसका सेंट्रल एक्सिस है और ये इसमें ओव्यूल्स लगे हुए हैं और ये जो पूरा इसमें एक कोस्ट आपको दिखाई देता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिलोक्युलर ओवरी। हालांकि इसके अंदर कार्पल की संख्या तीन है, तो ये क्या कहें, इसमें जो ये है कोस्ट इसमें एक ही है। तो मल्टी कार्पलरी में भी हो सकता है और मोनोकार्पलरी में भी हो सकता है। मल्टी कार्पलरी में जब होगा तब ये पैराइटल प्रेजेंटेशन नहीं होगा। बाइलोक्युलर इसमें आप देखें जो कि सोलेनिसी में रिप्रेजेंट होता है और इसके अंदर ये आपको ये प्लेसेंटा का पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसमें ओवरी लग रहे हैं और इसमें ये एक चैम्बर ये हो गया और एक चैम्बर ये हो गया, तो ये दो चैम्बर हो गए अर्थात दो लोक्यूल हो गए। तीसरा ट्राइलोक्युलर, इसमें कि तीन कोस्ट है, तीन कोस्ट मतलब दिस इज वन,
ये दूसरा कोष हो जाएगा और ये तीसरा कोष हो जाएगा, और इसमें एक्सल प्रेसिपिटेशन दिखती है आपको, तो बीच में तो ये ओवल लग रहे हैं आपका सेंट्रल एक्सिस से, तो ट्राइलोक्युलर में तीन चैम्बर बन रहे हैं। इस केस में चार चैम्बर बन रहे हैं तो ये टेट्रालोक्युलर कहलाएगा, इस केस में पांच चैम्बर बन रहे हैं तो ये पेंटालोक्युलर कहलाएगा, और यदि ज्यादा चैम्बर बनते हैं तो मल्टीलोक्युलर कंडीशन कहलाती है। अब बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, प्रेजेंटेशन। बच्चों इसको देखो, आप ध्यान से समझेंगे। अभी तक हमने ये जाना कि जो कार्पल है उसके अंदर ओवरी जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्गन है। तो क्योंकि इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाते हैं, सीड्स का निर्माण करते हैं। ओवरी में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट चैम्बर्स, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था लोकुलर की बात की थी, तो ओवरी के अंदर बहुत सारे कोष होते हैं। वो जो कोष होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लोक्यूल या स्वर्म कक्ष या चैम्बर या कोष भी कहते हैं। और उन लोक्यूल्स के अंदर एक स्थान होता है, एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और ये प्लेसेंटा वही स्थान है जहां पर की ओविल्स अटैच रहते हैं। अर्थात ओविल्स कहाँ लगे हुए होते हैं प्रश्न पूछा जाए, तो ओविल्स आर अटैच ऑन ए टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा, जो कि लोक्यूल में प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि प्लेसेंटेशन क्या है। इट इज द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लेसेंटा इन द कैविटी ऑफ ओवरी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ओवरी के अंदर प्लेसेंटा का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार से उसका अरेंजमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। इस पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, इस पे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये अलग अलग प्रकार से होता है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फिर हम इसका पिक्चर देख लेंगे। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन जब हमेशा मोनोकार्पुलरी ओवरी में, मोनोकार्पुलरी जो गायनोशियम है ओवरी है उसके अंदर ये पाया जाता है, और इसमें हमेशा एक ही कार्पल होगी। तो एक ही कार्पल जहाँ मुड़ रही है, दोनों जहाँ जो उनके ज्वाइनिंग प्लेस है, मार्जिन इसकी जो दोनों मार्जिन की जो ज्वाइनिंग प्लेस है, वहां पर प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है और वहां पर फिर ओव्यूल डेवलप होते हैं। तो इसमें कैसा होगा, जैसे एक कार्पल है और ये एक कार्पल जैसे यहाँ जुड़ी है तो यहाँ पर ओव्यूल का निर्माण होगा। कार्पल की संख्या मोनो, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन हमेशा मोनोकार्पल में पाया जाएगा, और इसके एग्जाम्पल लेग्यूमिनेसी प्लांट्स हैं सारे, और इसमें एक कार्पल, एक लोक्यूल और मार्जिनल प्रेजेंटेशन। दूसरा आता है पैराइटल। मार्जिनल और पैराइटल में क्या फर्क होता है कि मार्जिनल में हमेशा मोनोकार्पुलरी होती है, पैराइटल जिसको बिक्की कहते हैं उसमें कार्पल की संख्या एक से अधिक होगी। अर्थात एक से अधिक जब कार्पल होगी, लेकिन हर कार्पल के जो दोनों मार्जिन है आपस में जब फ्यूज हो रहे हैं, मतलब ये एडजस्टिंग कार्पल से फ्यूज होकर के एक ओवरी बना देते हैं, इसके ओवरी वॉल बना देते हैं, और चाहे संख्या भरी इसकी दो तीन पांच कुछ भी हो सकती है, एक नहीं होगी। और जहां पर उन कार्पल्स के मार्जिन जुड़ रहे हैं उस मार्जिन पर प्लेसेंटा पाया जाता है, और वहां पर फिर ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। तो इस केस में ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, और ये जो जगह है वो किससे बनती है, इट डेवलप्स फ्रॉम द मीटिंग ऑफ टू मार्जिन ऑफ सब्सिक्वेंट कार्पल, जो इनकी जो पास पास की जो कार्पल से उसकी जो मार्जिन से जुड़ के जो स्थान बन रहा है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, कौन, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं या प्लेसेंटा प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ यहाँ पर, जैसे सपोज मान लो एक कार्पल ये है, ठीक है, एक दूसरी कार्पल है और ये एक तीसरी कार्पल है, ये तीनों कार्पल जो है अपने दोनों, इन दोनों के मार्जिन अपनी पड़ोस की जो कार्पल है उससे जुड़ रही है, और यहाँ जहाँ जुड़ रहे हैं वहां पर ये इसमें ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये ओविल्स यहाँ प्रेजेंट हो गए, फिर इसमें ओविल यहाँ प्रेजेंट हो गए इसके अंदर, और इसमें ओविल ये यहाँ प्रेजेंट हो गए। तो इसमें कार्पल की संख्या यहाँ पर तो आप देख रहे हैं वन है ना, इसमें कार्पल की संख्या दो से अधिक है, अर्थात तीन इसमें आपको दिखाई दे रही है, लेकिन और दोनों में मार्जिन पर मतलब बाहर की तरफ ही ओविल्स का, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो रहा है और ओविल का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन क्रूसीफेरी मेम्ब्रेन, जो क्रूसीफेरी मेंबर्स हैं उसके अंदर ओवरी होती तो सिंगल चैम्बर की, क्योंकि पैराइटल प्रेजेंटेशन मिलता है उसके अंदर, लेकिन उसमें बीच में फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से वो जिसको हम रेप्लम कहते हैं, तो उसकी वजह से डबल चैम्बर हो जाता है ना। तो ये पैराइटल का मेंबर है, इसमें दो कार्पल होती है, लेकिन फॉल्स सेप्टम वजह की होने से ये दो चैम्बर इसमें डेवलप हो जाती है। तीसरी कैटेगरी आती है प्रेजेंटेशन की, एक्साइल, अक्षी जिसको बोलते हैं। इसमें ओविल्स आर डेवलप एट और अराउंड द सेंटर ऑफ ए मल्टी चैम्बर्ड ओवरी ऑन एन एक्सिस, ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि ये भी मल्टी कार्पलरी ओवरी से डेवलप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है सारी जो ओवरी जो होती है वो जुड़ जाती है, मतलब उनके हर ओवरी हर जो कार्पल होती है उसकी जो वॉल होती है दोनों जो मार्जिन होती है वो बीच में आके जुड़ जाती है, और बिशप के जब सारी कार्पल्स के जो मार्जिन जब बीच में आके जुड़ जाते हैं तो वो एक्सेस बनाते हैं और सेप्टा के द्वारा वो जुड़े हुए रहते हैं, और जब बीच में एक्सेस बन जाता है तो उस एक्सेस के चारों ओर ये प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, फिर वहां पर ओवरी लगते हैं। सपोज जैसे कि इस केस में क्या होता है, सपोज मान लो तीन ओवरी अगर दिखाई देती है इसके अंदर, जैसे इस प्रकार से अगर हम डायग्राम इसका ड्रॉ करें तो ये जो मार्जिन दिखाई दे रहे हैं इसमें यहाँ पर ये सारे ये जो कार्पल्स हैं इनकी मार्जिन अंदर की तरफ आ गई, और यहाँ पर बीच में एक सेंट्रल में एक्सिस डेवलप हो जाता है, और इस एक्सिस पे अब यहाँ पर इसमें ओविल्स का निर्माण हो जाता है। ये यहाँ पर इसमें जैसे ये ओविल्स का डेवलपमेंट हो गया, तो एक बीच में एक्सिस बन गया, एक्सिस के चारों तरफ इसके प्लेसेंटा डेवलप हो गए और ओविल का निर्माण हो गया। तो इसके एग्जाम्पल से मालवेसी है, इसमें भी जो कार्पल की संख्या है वो एक से अधिक होगी, या तो दो हो सकती है, तीन हो सकती है, पांच हो सकती है, लेकिन मोर देन वन होगी। लेकिन एक्सिस सेंट्रल पे बनेगा किसके किससे बनेगा, जो कार्पल्स है उसके मार्जिन बीच में आ जाएंगे और वो जुड़ जाएंगे अंदर आकर के। लास्ट नेक्स्ट है बेसल प्लेसेंटेशन, इसमें इसको आधार आधार लगने भी इसमें कहेंगे। तो इसमें जो प्लेसेंटा है वो ओवरी के बॉटम पे लगा हुआ होता है, और वहां पर फिर वो प्लेसेंटा पे ओव्यूल लगा हुआ होता है, और सिंगल या कभी कभी कुछ नंबर कम नंबर में ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकते हैं इसके अंदर, मोस्टली तो सिंगल। और इसका एग्जाम्पल है कंपोजिटी, जिसको क्या एस्ट्रेजी भी कहते हैं, जैसे कि सनफ्लावर है, मेरीगोल्ड है, ट्राइडेक्स है, जो हमारे बहुत कॉमन हमको ये दिखाई देता है, हमारे कॉलेज में भी ट्राइडेक्स बहुत लगता है। फ्री सेंट्रल मुक्त अक्षी जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है जो ओवल्स होते हैं दे आर बोर्न ऑन सेंट्रल कॉलम विदाउट एनी सेप्टा, और अर्थात ये जो इसका डेवलप हम कह सकते हैं कि इससे डेवलप हुआ है एक्साइल से, मतलब जो कार्पल्स हैं वो आपस में जुड़ तो गई है और लेकिन उनकी जो सेप्टम थे वो डिजोल्व हो चुके हैं और गायब हो चुके हैं, और तो बीच में क्या होता है एक सेंट्रल में एक्सिस बन जाता है इसके अंदर, और उस सेंट्रल में जो एक्सिस जो बनता है यहाँ पर इसके सेप्टम तो डिजोल्व हो गए, ये सेंट्रल में जो एक्सिस बन गया ये इसमें यहाँ प्लेसेंटा होता है, और यहाँ पर इसमें ये ओविल्स इसमें इस प्रकार से यहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं मुक्त अक्षी या फ्री सेंट्रल, जो कि स्टीलिया में डायन्थस में कैरिफिलिसी का मेंबर है, और एनागलिस है, प्राइमूला है जिसको प्राइम रोज प्रिम रोज भी कहते हैं, प्राइमुलेसी में ये कंडीशन पाई जाती है। अब आता है सुपरफिशियल टाइप का, जिसमें ओवरी तो मल्टीलोकुलर होगी, मल्टीकार्पलरी होगी जैसे कि एक्साइल में होती है, लेकिन जो सेप्टम है मतलब जो पार्टीशन वाले जो सेप्टम्स हैं उनके सब तरफ पे उनके इनर सरफेस पे सब तरफ क्या डेवलप हो जाएंगे प्लेसेंटा डेवलप हो जाएंगे, तो सब जगह ओव्यूल्स लगते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है वाटर लिली में ये कंडीशन पाई जाती है। अब आता है लैमिनेट प्रकार का, इसमें जो ओव्यूल्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन ए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको हम लैमिना कहते हैं ओवरी के अंदर, और उसके चारों तरफ वो ओवल्स का डेवलपमेंट मतलब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, और दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पैराइटल प्रेजेंटेशन। इसका एग्जाम्पल है पॉपी, जिसको हम पेपावर भी कहते हैं, तो ये पॉपी में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है पॉपी, तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो पॉपी में दिखाई देती है। ये पिक्चर है जिसको कि मैंने आपको अलग से बता रही हूँ, यहाँ पर इसमें पहली पिक्चर में आपको मार्जिनल जो कि मटरकुल में दिखाई देता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन जनरली जैसे कि मालवेसी में मेंबर्स में दिखाई देगा आपको, फिर तीसरी पिक्चर आपको पेराइटल जैसे कि जो कि कुकरबिटेसी में दिखाई दे सकता है आपको, इसमें आपको ये फ्री सेंट्रल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और फिर दिखाई दे रहा है जो कि डायन्थस में कैरोफिलेसी में दिखाई देता है, लैमिनेट प्रकार का है जो कि पॉपी में दिखाई देता है, बेसल प्रकार का एस्ट्रेसी में दिखाई देता है, और जो एपिकल पेंडुलस है जिसको अभी मैंने उसमें नहीं बताया, तो एपिकल पेंडुलस में क्या होता है ओवरी के ऊपर की तरफ से, जैसे बेसल का जस्ट अपोजिट है ओवरी के ऊपर की तरफ से एक ओव्यूल लटका हुआ होता है, एक या दो संख्या हो सकती है, जैसे कि क्रिस्कलिस में पाया जाता है, तो फ्रीली पेंडुलस की तरह होता है, इसको क्या बोलते हैं एपिकल पेंडुलस प्रकार का प्लेसेंटेशन। इस पिक्चर में फिर और क्लियर कर देते हैं हम आपको, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है मटर में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर
मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, ये एक्साइल प्रेजेंटेशन भिंडी में दिखाई दे रहा है जो कि मालवेसी का मेंबर है, इसलिए एक्साइल प्रेजेंटेशन टोमेटो में सोलानेसी का मेंबर है, ये एक पैराइटल प्रेजेंटेशन जो कि कुकुरबिटेसी के मेंबर्स में दिखाई देता है, ये भी पैराइटल प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज पैराइटल प्रेजेंटेशन। ये जो हम खरबूजा खाते हैं मस्क मेलन जिसको हम कहते हैं कैंटलॉप भी कहते हैं उसको, इसमें भी पैराइटल प्रेजेंटेशन दिखाई देता है, और ये जो अपनी शिमला मिर्च होती है जिसको बेल पेपर भी कहते हैं इसमें एक्साइल प्रकार का प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं स्टाइल के टाइप की, स्टाइल की जो पोजीशन है वो किस प्रकार की है उसके आधार पर पहली है टर्मिनल स्टाइल जिसमें कि टर्मिनल पोजीशन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दिस केस स्टाइल इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेट लाइन अलोंग विद द ओवरी, मतलब ओवरी की भी कोई सीधी लाइन में इसमें स्टाइल प्रेजेंट होगी, कहीं मुड़ी भी नहीं होगी। इस प्रकार का एग्जाम्पल होता है चाइना रोज है, दसूरा जो नॉर्मली बहुत केसेस में पाई जाती है। इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि ये जो है वो टर्मिनल प्रकार की स्टाइल है, लेटरल स्टाइल मीन्स पार्श साइड से निकलती है, तो वह स्टाइल जो कि ओवरी के साइड से निकलती है जैसे कि स्ट्रॉबेरी मैंगो में दिखाई देती है। इस पिक्चर में आपको एक लाइन डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कि ओवरी के साइड से यहाँ पर ये इस प्रकार से कर्व होकर के यहाँ से निकल रही है, ये स्टाइल निकल रही है इसमें, ये इसका स्टिग्मा का पोर्शन है। अब आता है गाइनो बेसिक, इनके जरूर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है गाइनो बेसिक, इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो गाइनो बेसिक अर्थात गाइनोशियम के बेस के, अर्थात स्टाइल इज अराइजिंग फ्रॉम द डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द ओवरी और इट इज मेड इट मे बी डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द थैलेमस, अर्थात इसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है या थैलेमस होता है उसके सेंट्रल के बीच बॉटम के मतलब डिप्रेशन बॉटम के वहां से स्टाइल डेवलप हो जाती है। नॉर्मली तो देखा आपने कि ओवरी के ऊपर से स्टाइल निकल रही है इस केस में, लेकिन इसमें क्या होता है ओवरी के जो पोर्शन होता है उसके बिल्कुल बॉटम से इसको मूर्ति भी दिखाई देती है, अंदर की तरफ से निकलती हुई दिखाई देती है, जैसे एग्जाम्पल ऑसिमम है, सालविया है जो कि लेवनेसी के कुल के मेंबर है, एक एग्जाम्पल और है बोरेजिनेसी का, बोरेजो ऑफिसिनेलिस जो कि आपको ये पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, इस पिक्चर में आप बहुत क्लियर देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये चारों ओवरी के पार्ट है, इसमें ओवरी बन जाते हैं और बीच में इनके सेंटर में से यहाँ पर ये देखो क्या निकल रही है, इसमें ये स्टाइल निकल रही है ऊपर की तरफ से, जो पर्पल कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है स्टिग्मा दिखाई दे रही है छोटी सी आपको, तो इसको क्या बोलेंगे हम गाइनो बेसिक, इसको याद कैसे कर सकते हैं कि गाइनोशियम के बेस से निकलती हुई स्टाइल दिखाई देती है। ये एक लेमेसिकुल का ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसमें ये चार ओवरी के लोब्स बन जाते हैं, मतलब ओवरी क्या होती है विभाजित हो जाती है, लोब्स में विभाजित हो जाती है और उसके बेस से निकलती है स्टाइल निकलती हुई दिखाई देती है। स्टाइलोपोडियम, इसके अंदर स्टाइलो मतलब स्टाइल जो होता है वह पोडियम की तरह डेवलप हो जाता है, अर्थात वो स्वोलन होकर के पैर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे एग्जाम्पल है कोरियंडियम धनिया, ये एपीसी का मेंबर है जिसमें इस ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है ये धनिया तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर जैसे आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो ये स्टाइलोपोडियम कहलाता है, और नीचे का भाग ये क्या चीज है ये तो इसकी ओवरी कहलाएगी और ये इसका ये स्टाइलोपोडियम है जो कि स्टाइल के नीचे का भाग खुला हुआ भाग है, और यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर क्या होती है इसकी स्टिग्मा होती है, तो ये स्टाइलोपोडियम। अब स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या चीज है, जो कार्पल है उसका सबसे ऊपर का टर्मिनल भाग स्टिग्मा कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इट रिसीव द पोलन ग्रेन फॉर फर्टिलाइजेशन, ये सरफेस होती है जहां पर की पोलन ग्रेन आकर के गिरते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए बाद में जर्मिनेट करके फिर अंदर एंटर करते हैं। इसकी शेप अलग अलग हो सकती है, कैपिटेट का मतलब हुआ कि ये कैप लाइक अगर होगी तो कैपिटेट, डिस्कॉइड का मतलब डिस्क लाइक होगी, डंबल का मतलब डंबल शेप, इस प्रकार से शेप हो जाती है इसके अंदर, जैसे कि ये डंबल अगर हम बना के बताएं आपको इस प्रकार से डंबल शेप इसमें हो जाती है। प्लूमोस का मतलब जो कि ग्रैमिनिकुल में पाई जाती है उसमें जो स्टिग्मा होती है वो कैसी हो जाती है फैदरी हो जाती है, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये प्लूमोस प्रकार की दिखाई दे रही है, दिस वन इज कैपिटेट प्रकार की दिखाई दे रही है, और ये जो आपको डिस्कॉइड प्रकार का दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये डंबल शेप है सामने से इस प्रकार से दिखाई दे रही है। बाइफिड का मतलब द्विपालीवत हो जाती है और दो लोब्स में डिवाइड हो जाती है, ये जो कि अपने सोंकस है संसार है इसके ट्यूबुलर जो फ्लावर उसमें दिखाई देती है। फिर रेडिएट हुक लाइक की तरह दिखाई देती है जो कि इसमें रेडिएटिंग प्रकार की स्टिग्मा दिखाई देती है, पॉपी में दिखाई देता है, और कई बार स्टिग्मा जो होती है कई कई सारी ब्लेड्स में कई सारे मतलब कई सारी पालियों में विभाजित हो जाती है जिसको बोलते हैं
लैमिलेट प्रकार का ऑस्टिक कई बार जो स्टिग्मा होती है वो चिपचिपा सिक्रीशन करती है, जिससे कि पोलन ग्रेन्स को वो अटैच अटैच करने में हेल्पफुल होता है वो। जैसे एग्जांपल है क्लियोम विस्कोसा। बच्चों तो आज हमने गाइनोशियम को खत्म कर लिया है, मतलब उसको फिनिश कर दिया है। तो अभी तक हमने फ्लावर डिस्क्रिप्शन की टर्मिनोलॉजी के बारे में जाना, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम हमने समाप्त कर दिए हैं। थैंक्स।